वेलकम टू यूनिक स्टडी सेंटर। अभी तक हमने पीरियाडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का कुछ क्लासिफिकेशन देख लिए जो शुरुआत के थे, अभी मॉडर्न वाला आज हमको पढ़ना है। तो अभी तक जो हमने देखा उसमें डोबेराइनर ट्रायड्स, न्यूलैंड ऑक्टेव और मेंडलीव का क्लासिफिकेशन था। अब यहाँ पे अभी तक एक जो भी क्लासिफिकेशन हो रहा था उसका जो बेस था वो एटॉमिक मास था। मॉडर्न पीरियडिक टेबल में एक नई चीज जुड़ गई, इसमें जो रखा गया वो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे रखा गया। और ये 1917 के आसपास एक साइंटिस्ट थे मोजले, इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके निकाला था एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर। इन एटॉमिक नंबर के बेसिस पे जब रखा गया तो यहीं से एक इन्होंने नई बात बोली कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं एलिमेंट्स के, वो उनके एटॉमिक मास के नहीं, उनके एटॉमिक नंबर के पीरियाडिक फंक्शंस होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अभी तक हम उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख रहे थे, अब हम उनके एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे। तो यहां से हमको जो क्लासिफिकेशन मिला एक नए तरह का, उसको हम बोल देते हैं मॉडर्न पीरियाडिक टेबल। तो हमको आधुनिक अवसारणी में ये देखना है कि उनके परमाणु क्रमांकों के बढ़ते क्रम में रखना है, ठीक है। तो ये हमारी आधुनिक अवसारणी। अब इसमें तीन तरह के हमारे पास तत्व हैं। अब जैसा पीरियडिक टेबल में दिख रहा है तो यहाँ पे हमारे पास मेटल जो धातु और उस तरफ जो है वो अधातु, और बीच में वो जो हरी वाली टेढ़ी मेढ़ी लाइन दिख रही है वो उपधातु। उनकी खास बात क्या होती है कि इनके पास धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, इसीलिए इनको उपधातु या अर्धधातु कहते हैं। तो ये हमारे अर्धधातु में रही। अब यहाँ पे अलग अलग कलर दिया, लेकिन वो जो उपधातुएं हैं उनके बाई तरफ जितने भी हैं वो सारे धातु हैं, और उन उपधातुओं के दाई तरफ जो है वो सारे अधातु हैं। तो तीन तरह के हमको तत्व मिले, धातु, अधातु और उपधातु। अब अधातुएं हमारे पास लगभग 22 हैं, और बाकी ज्यादातर जो है वो सभी धातुएं हैं, और बाकी वो जो इधर दिख रहे हैं ग्रीन वो मेटलॉइड मतलब कि उपधातुएं हैं। अब ये पीरियाडिक टेबल रहा, और इसमें बस यही हमको एक चीज नई जो जुड़ी है वो ध्यान रखना है कि एटॉमिक नंबर, ये चीज याद रखनी है, एटॉमिक नंबर पे ही ये बेस्ड है। तो ये डिफरेंस मेंडलीव में और मॉडर्न पीरियडिक टेबल में यही एक डिफरेंस है। क्या अगर डिफरेंस आता है तो हमको यही बताना है वहां पे कि उसमें एटॉमिक मास के मतलब परमाणु भार के बेस पे रखा गया था, और जो मॉडर्न पीरियड टेबल है उसमें परमाणु क्रमांक के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। फिर उसके बाद हमको अगला जो पढ़ना है, आधुनिक आवर्त सारणी की जो प्रवृत्ति है, ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियड टेबल, उसमें क्या क्या पढ़ने हैं। अब आधुनिक आवर्त सारणी की जो भी प्रवृत्तियां हैं इनमें एक दिशा में जाने पर जो भी बदलाव होते हैं उन तत्वों में उसके बारे में, मतलब अब दिशा का मतलब कि जैसे पीरियडिक टेबल तो हमको मिल गया, अब यहाँ पे क्या है कि हमको जो 17-18 जो लाइनें मिली हैं बिल्कुल वर्टिकल, जो ऊर्ध्वाधर कॉलम जो स्तंभ मिले हैं उनको हम समूह बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइनें मिली हैं इस तरह से इनको हम आवर्त बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं इनको। तो यहाँ पे हमारे पास 7 पीरियड और 18 कॉलम है, मतलब 18 ग्रुप हैं। तो यहाँ पे 18 ग्रुप और 7 पीरियड्स हैं। अब इनमें ग्रुप्स में ऊपर से नीचे जाने पर किस तरह से उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एलिमेंट के वो किस तरह से बदलते हैं, 3-4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसी को हमको देखना है कि ये किस तरह से बदल रहे होते हैं, और पीरियड्स में बाएं से दाएं तरफ जाने पर क्या क्या चेंजेस आते हैं उनके बारे में हमको पढ़ना है। अब पीरियडिक टेबल में कुछ चीजें हम देख लेते हैं जो हमको याद रखनी है, और
मतलब काफी सारे चैप्टर ये हमेशा काम आएगा उसमें। जैसे जो फर्स्ट ग्रुप है इसमें आपको ये याद रखना है कि इसकी जो वैलेंसी है सारे एलिमेंट की वो वन है, फर्स्ट ग्रुप तो वैलेंसी वन। अभी आगे उसका रीजन हमको पता चलेगा कि वन जो है वो क्यों है। फिर उसके बाद जो सेकेंड ग्रुप है, अच्छा इसका कुछ नाम भी होता है, जो फर्स्ट ग्रुप है हाइड्रोजन के नीचे ये सारे मेटल हाइड्रोजन को छोड़ के, हाइड्रोजन मेटल नहीं है लेकिन फिर भी ये मेटल के साथ में रखा गया है, तो ये मॉडर्न पीरियडिक टेबल की एक कमी है। तो जो फर्स्ट ग्रुप है हाइड्रोजन के नीचे वाले जितने भी एलिमेंट हैं उनको हम एल्कली मेटल्स बोलते हैं, तो इनका एक अलग से नाम हो जाता है, एल्कली मेटल्स बोलते हैं। और इसके बगल वाला जो सेकेंड ग्रुप है जिसमें हमारे पास बेरिलियम मैग्नीशियम कार्बन कैल्शियम, कार्बन नहीं, बेरिलियम मैग्नीशियम और कैल्शियम ये सारे जो एलिमेंट्स हैं इनको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। तो इस तरह से सेकेंड ग्रुप और ये इन दोनों को एक साथ एस ब्लॉक के एलिमेंट्स बोलते हैं। तो ये जो हमारा फर्स्ट ग्रुप है और जो सेकेंड ग्रुप है ये हमारा एस ब्लॉक के सारे एलिमेंट है। उसके बाद यहाँ पे ये जो नीचे 10 लाइनें दिख रही इनको डी ब्लॉक के एलिमेंट बोलते हैं। ये जो फिर मेटलॉइड हमने अभी देख लिया, जो ग्रीन कलर से दिख रहे हैं वो सारे मेटलॉइड हैं, और मेटलॉइड के उस तरफ जितने भी हैं वो सारे जितने भी हैं वो नॉन मेटल्स हैं। अब जितने भी और जो लास्ट के बिल्कुल हैं वो इनर्ट गैस उनको बोलते हैं, उनकी वैलेंसी जीरो होती है। तो हम वैलेंसी को यहीं से देखते चलेंगे, जो फर्स्ट ग्रुप है वैलेंसी वन, जो सेकेंड ग्रुप है वैलेंसी टू। हमको ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है जो नीचे 10 लाइनें बनी हुई और नीचे से चार ही लाइन जो है उसके बारे में हमको अभी नहीं पढ़ना है। तो हम अब अपना 13th ग्रुप में आ जाते हैं। 13th ग्रुप में जो वैलेंसी है उसकी वो 3 है। फिर जो बोरॉन और एल्यूमिनियम वाला ग्रुप हमको दिख रहा है, फिर उसके बाद कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम ये जो ग्रुप दिख रहा है इसमें जो भी एलिमेंट्स है उनकी वैलेंसी 4 है। फिर उसके बाद नाइट्रोजन फास्फोरस इन सब की वैलेंसी फिर से 3 हो जाती है। तो वैलेंसी को अगर हम देख रहे हैं किस तरह से ये बदल रही है, तो जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो वैलेंसी 1 से लेकर के 4 तक बढ़ रही है, फिर 4 के बाद से वो फिर घटना शुरू हो जाती है, 4 के बाद फिर 3, 2, 1 और फिर लास्ट में 0। तो बिल्कुल लास्ट के जो ग्रुप है उनको जीरो ग्रुप या इनर्ट गैसेस बोलते हैं क्योंकि ये किसी से रिएक्ट नहीं करती हैं। तो ये वैलेंसी का एक वैलेंसी की प्रॉपर्टी होगी कि वैलेंसी किस तरह से पीरियडिक टेबल में चेंज होती है। यहाँ पे हम पीरियड्स की बात करें किस तरह से जैसे जैसे हम पीरियड्स में आगे बढ़ रहे हैं वैलेंसी वेरी करती चली जा रही है, लेकिन ग्रुप में वैलेंसी सेम होती है। जैसे फर्स्ट ग्रुप है पूरा तो फर्स्ट ग्रुप में वैलेंसी सबकी 1 रहेगी, सेकेंड ग्रुप में 2 रहेगी। तो ये वैलेंसी का हो गया। उसके बाद एक कुछ और प्रॉपर्टीज हमको देखनी है मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में। तो वैलेंसी हमने देखा, वैलेंसी में हमारे पास जो हमको 3-4 ट्रेंड्स पढ़ने हैं 3-4 के बारे में, उसमें से एक वैलेंसी है। उसके बाद एटॉमिक साइज जो परमाणु का आकार है उसके बारे में देखना है कि ये किस तरह से बदलता है जब हम ग्रुप में आगे चलते हैं ऊपर से नीचे, और जब आवर्त में आगे बढ़ते हैं तब ये किस तरह से बदलता है, और धात्विक और अधात्विक गुण। और एक और प्रॉपर्टी आती है विद्युत ऋणात्मकता जिसको हम बोलते हैं, और एक शायद ये जो वो हम मेटल नॉन मेटल चैप्टर में पढ़ के आए हैं, जो धातुएं होते हैं उनके ऑक्साइड और जो अधातुएं होती हैं उनके ऑक्साइड के जो नेचर होते हैं वो कैसे होते हैं, तो अम्लीयता उनकी बढ़ती जाती है या फिर क्षारकता बढ़ती जाती है उसके बारे में पढ़ना है। तो फर्स्ट अभी हमने जो वैलेंसी के बारे में देखा, तो वैलेंसी में हमको क्लियर है कि ग्रुप में कोई चेंज नहीं होता है। वैलेंसी में जो समूह होते हैं एक समूह में जितनी संयुक्तता ऊपर वाले तत्व की रहेगी उतनी ही नीचे वाले तत्वों की भी रहेगी, लेकिन ग्रुप में पीरियड में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो पीरियड में 1 फिर 2 हमारे पास 17 है, तो हमको डी ब्लॉक वाले के बारे में देखना नहीं है। तो अब बचते हमारे पास 8 हैं, डी ब्लॉक को हमने छोड़ दिया जब, तो फर्स्ट सेकेंड फिर उसके बाद
डी ब्लॉक वाले को हम छोड़ देंगे, फिर 13 से शुरू करेंगे, तो फिर 3, 4, फिर 3, 2, 1 और 0, ये हमारे पास 8 जो ग्रुप हैं, इनकी वैलेंसी के बारे में हमको देखना है। तो ये इस तरह से वैलेंसी वैरी करती है, कहां पे, पीरियड्स में, और ग्रुप में बिल्कुल सेम रहती है। तो ये वेरिएशन है, ये बदलाव है संयोजकता में, जब हम एक आवर्त में आगे बढ़ते हैं तब। उसके बाद एटॉमिक साइज, जो परमाणु साइज होता है, परमाणु साइज उसकी क्या, उसमें क्या बदलाव होते हैं, परमाणु के आकार में, तो इसके लिए थोड़ा सा हमको देखना पड़ेगा, जो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते आए हैं उसके बेसिस पे जब हम चलेंगे तो वहां से हमको थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से इसमें बदलाव होते हैं। यहाँ पे अगर हमको परमाणु साइज उनका देखना है तो उसके लिए पहले उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, किस तरह से इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर अरेंज रहते हैं, उसके बारे में पहले देख लेते हैं। तो जैसे सोडियम है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो 2-8-1 होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि सोडियम का जो परमाणु होता है उसमें नाभिक के तुरंत बाद 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके बाद 8 होते हैं और फिर उसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहा और एटम का इसका स्ट्रक्चर रहा। अब उसके बाद अगर मैग्नीशियम का हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 282 होता है मैग्नीशियम का, एल्यूमिनियम का 283, फिर उसके बाद सिलिकॉन, फिर फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और फिर आर्गन, ये सारे एक ही पीरियड के एलिमेंट्स हैं, मतलब एक ही आवर्त में ये सारे आएंगे। तो अगर हम यहाँ पे देखें ध्यान से तो जैसे हमारे पास सोडियम है तो सोडियम का जो पहले सेल के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये दोनों पहले कोष में आ जाएंगे, फिर उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये 8 आएंगे, उसके बाद लास्ट में जो आएगा वो 1 इलेक्ट्रॉन आएगा और यहाँ पे इस वाले में 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ये 8 इलेक्ट्रॉन। अब ये 2-8 और 1 हो गया, मैग्नीशियम में 2-8-2 हो जाएगा तो यहीं पे 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो हम देख रहे हैं जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। तो जब इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाएगी, अब ये जो नाभिक होते हैं इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो प्रोटॉन पे जो आवेश होता है वो धनात्मक आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो ऋणात्मक होता है। तो जब हम बाएं से दाएं जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जा रही है, बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जा रही है, इसका मतलब ऋण आवेश जो वो बढ़ता जा रहा है। ऋण आवेश जब बढ़ता जाएगा तो नाभिक और जो बाहरी इलेक्ट्रॉन उनके बीच का जो आकर्षण होगा वो भी तेज होता जाएगा और इस वजह से क्या होगा, ये धीरे धीरे जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इसमें ज्यादा होते जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है सोडियम में तो 1, फिर मैग्नीशियम में 2 है तो उसके लिए 2 हो जाएगा, ये मैग्नीशियम की संरचना हो गई, फिर एल्यूमिनियम में 3 है, बाहरी कोष की बात हो रही है यहाँ पे तो 3 हो जाएगा, धीरे धीरे 4, 5, 6, 7 और 8, तो यहाँ पे क्या हो रहा है धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जा रही है। तो ये जब इनके बीच में जो बल लगेगा वो ज्यादा तेज हो जाएगा जिसकी वजह से ये खींच जाएगा और खींचने की वजह से इसका जो आकार होगा वो छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे पीरियाडिक टेबल में जब हम किसी आवर्त में आगे बढ़ते हैं, आवर्त में आगे बढ़ने का मतलब बाएं से जब दाएं जाते हैं तो जो परमाणु का आकार होता है वो छोटा होता जाता है आवर्त में, लेकिन जब हम बात करेंगे किसी भी समूह में तो किसी भी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर, हम अगर लिथियम का देखें तो लिथियम का परमाणु क्रमांक 3, फिर उसके बाद सोडियम आता है जिसका 11 होता है, तो इसमें हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो पहले वाले में 2 हो जाएंगे और उसके बाद 1 हो जाएगा, और यहाँ पे ये आता है दूसरे आवर्त में, ये आता है तीसरे आवर्त में। जब हम सोडियम की बात करेंगे तो पहले में हमारे पास 2 होंगे, उसके बाद 8 होंगे और उसके बाद 1 होगा, तो यहाँ पे हमारे पास जो कोष हैं वो 3 हैं सोडियम में,
और लिथियम में केवल दो है, तो जितना उसका आवर्त संख्या होती है जितनी, उतने उसमें कोष होते हैं। लिथियम दूसरे आवर्त में आता है, इसमें दो कोष होंगे, दो सेल होंगे। सोडियम तीन में आता है तो इसमें तीन कोष होंगे। तो जैसे जैसे जो जिस जो चौथे में आएगा उसमें चार होंगे, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो जो सेलों की संख्या होगी, जो कोष होंगे वो बढ़ते जाएंगे। अब कोष बढ़ने का मतलब उसकी साइज तुरंत बढ़ जाएगी। तो जब हम ऊपर से नीचे आएंगे किसी भी समूह में तो परमाणु का जो आकार होगा वो बढ़ेगा। तो यहां से परमाणु एटॉमिक साइज का जो वेरिएशन हमको मिलता है वो लेफ्ट टू राइट क्या होता है, डिक्रीज होता है, और टॉप टू बॉटम क्या होता है, इंक्रीज होता है एटॉमिक साइज किसी भी पीरियडिक टेबल में। तो ये चीज हमको नोट करके रखनी है कि टॉप टू बॉटम क्या होगा, एटॉमिक साइज की बात हो रही है तो टॉप टू बॉटम ये इंक्रीज होगा धीरे धीरे। अब इसको किसी भी तरह से अपने सिंबल से दिखाना है कि जैसे भी बस हमको पता चलेगा कि ये इंक्रीज होना चाहिए। और अगर हम बात करेंगे लेफ्ट टू राइट की तो क्या होगा, डिक्रीज होगा। और ये इसके पीछे का रीजन रहा, तो यही जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इसी पे बेस्ड होता है। जो एटॉमिक जो न्यूक्लियस के बीच, न्यूक्लियस में जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं और इलेक्ट्रॉन के बीच जो इलेक्ट्रॉन्स जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो उसकी वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है उसमें एटॉमिक साइज छोटा होगा या फिर बड़ा होगा। अगर फोर्स ज्यादा है तो साइज कम हो जाएगा, अगर फोर्स कम है उनके बीच में जो अट्रैक्शन लग रहा है अगर वो कम है तो फिर जो साइज होगा वो बड़ा होगा। तो ये हमारा एटॉमिक साइज के लिए रीजन रहा और यहाँ पे कंक्लूजन निकला कि हाँ टॉप टू बॉटम में क्या होगा साइज, तो वो इंक्रीज होगा और लेफ्ट टू राइट जाने में डिक्रीज होगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, हमने वैलेंसी के बारे में देख लिया, उसके बाद एटॉमिक साइज देख लिया, अब मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर नेक्स्ट हमको देखना है। मेटालिक कैरेक्टर के बारे में जब हम देखेंगे तो जो एलिमेंट, जो भी मेटल मतलब जो भी एलिमेंट अच्छे से इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं बहुत ही आसानी से, वो उतने ही अच्छे मेटल होते हैं। मतलब मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है, जो भी धातुएं होती हैं वो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी रखती हैं, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं बहुत ही आसानी से। तो जितनी पहले हम अभी यहाँ पे मेटल्स के बारे में देखते हैं, जितनी आसानी से वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है वो, उतना ही प्रबल वो धातु होगा, उतना ही उसका धात्विक लक्षण ज्यादा होगा। तो जब हम किसी भी ग्रुप में, अब यहाँ पे जो वेरिएशन हमको देखने है वो ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पे क्या होता है और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पे क्या होता है, बस यही देखना है। तो जब हम किसी ग्रुप में आएंगे तो ग्रुप में अभी हमने देखा, यहीं से हम देख के चलते हैं, ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो अभी हमने देखा कि जो साइज था परमाणु का वो बढ़ रहा था। अब जब साइज बढ़ रहा है तो नाभिक और जो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि उसमें धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन दूर होता जा रहा है, तो अब जैसे कोई जो एलिमेंट ऊपर है और जो यहाँ पे नीचे है, तो इस ऊपर वाले एलिमेंट में जो बाहरी इलेक्ट्रॉन होगा और जो नाभिक होगा उनके बीच में डिस्टेंस कम होगी, तो डिस्टेंस कम होगी तो फोर्स ज्यादा रहेगा। और जो एलिमेंट नीचे आ रहे हैं उनमें, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन तो दूर चला गया है काफी, क्योंकि सेल बढ़ गए हैं, नंबर ऑफ सेल बढ़ गए हैं, तो इलेक्ट्रॉन दूर है, तो इलेक्ट्रॉन जब दूर है तो ये आसानी, ये उतनी तेजी से बंधा नहीं रहेगा नाभिक से, तो ये आसानी से छूट जाएगा। तो यहाँ पे आसानी से जब छूट गया तो आसानी से छूटने का मतलब हुआ कि वो अच्छा मेटल होगा। तो जो मेटालिक कैरेक्टर होता है वो किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है, तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। अच्छा, अब किसी भी पीरियड में आगे जाने पे, बाएं से दाएं जाने पे क्या होता है, तो जब हम पीरियड में, अभी हमने देखा कि पीरियडिक टेबल में जो इधर के हैं वो मेटल्स होते हैं
और शुरुआत में ही ये देखा था, और जो मेटलॉइड के दाएं तरफ है वो नॉन मेटल्स होते हैं। तो जाहिर सी बात, अगर इस तरफ मेटल है और उस तरफ नॉन मेटल है तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या हुआ होगा, घटा ही होगा, क्योंकि मेटल फिर धीरे धीरे कम होता गया, मेटलॉइड आ गया और फिर उसके बाद नॉन मेटल आ गया, तो मेटेलिक कैरेक्टर घटा ही। तो टॉप टू बॉटम आने पे क्या होगा, इंक्रीज होगा मेटेलिक कैरेक्टर। तो मेटेलिक कैरेक्टर में जो भी हम देखेंगे, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर में, तो ये ऊपर से नीचे जाने पर, मतलब अगर हम टॉप से बॉटम जा रहे हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, और अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा, क्योंकि शुरुआत के जो होते हैं वो मेटल्स होते हैं और लास्ट में बिल्कुल हमको नॉन मेटल मिले हैं, तो डिक्रीज हुआ तभी ऐसा हुआ। तो ये मेटेलिक कैरेक्टर हो गया। अब जो अगली हमारी प्रॉपर्टी आती है वो एक टर्म आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, तो जो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कहीं पर भी, जैसे यहां पे अगर है, तो कोई बाहरी इलेक्ट्रॉन को कोई भी एटम की जो खींचने, जितनी इसका जो खींचने की टेंडेंसी होती है उसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। जितनी उसका जो भी वैल्यू होगा उससे अभी नहीं मतलब है, बस वो खींचने की जो उसकी टेंडेंसी है उसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जो मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं। इलेक्ट्रॉन त्याग दे रहा, अगर उसकी खुद की, इस मेटल की खुद की खींचने की प्रवृत्ति होती तो क्या ये इलेक्ट्रॉन त्यागता, नहीं त्यागता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो धातुएं होती हैं वो विद्युत धनात्मक होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। तो जो अधातुएं होती हैं उनकी टेंडेंसी होती है, जैसे हमने क्लोरीन में देखा था, क्योंकि उनके पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो उसी तरह से होता है, जैसे लास्ट में 7 आ रहा है, एक वो एक्सेप्ट कर लेगा तो वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। तो नॉन मेटल्स जो होते हैं अधातुएं वो इलेक्ट्रॉन को गेन करती हैं, एक्सेप्ट करती हैं, और जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, मतलब त्याग देते हैं। तो धातुएं इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं मेटल्स, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो यहां पे अगर हम बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये जो मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। तो जब हम ऊपर से नीचे आएंगे और लेफ्ट से राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा, आसानी से इलेक्ट्रॉन को जो खींचेगा वो ऊपर वाला ज्यादा खींचेगा, क्योंकि उसके पास जो बाहर इलेक्ट्रॉन होंगे वो कम होंगे, क्योंकि इसका साइज छोटा होगा, यहां पे इसका साइज बड़ा होगा। अब बाहर कोई इलेक्ट्रॉन अगर है तो ये वाला जो एटम होगा वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से खींचेगा, और यहां पे क्योंकि इसकी साइज बड़ी है, उसके बीच में ढेर सारे इलेक्ट्रॉन है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा, और इस इफेक्टिव ना होने की वजह से ये उतनी तेज नहीं खींच पाएगा जितना तेज ये खींचेगा, और इसी खींचने की टेंडेंसी को ही हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ऊपर से नीचे आने पे घटेगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब हम टॉप से बॉटम आएंगे तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी। अगर हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, क्यों, क्योंकि मेटल्स उतने बढ़िया तरीके से इलेक्ट्रॉन को खींचते नहीं, उतने बढ़िया तरीके से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे, इसका मतलब हम जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। तो लेफ्ट टू राइट जाने में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, विद्युत ऋणात्मकता। ये लेफ्ट टू राइट जाने में इंक्रीज होगी और टॉप टू बॉटम आने में डिक्रीज होगी, ये चीज याद रखना है। अब यहां तक तो हमारे बुक में दिया, एक है नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। तो नेचर ऑफ ऑक्साइड जो भी
इनका एसिडिक नेचर या फिर बेसिक नेचर क्या होता है और किस तरह से ऑक्साइड के नेचर, तो जो भी हमारे मेटल्स होते हैं इन मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं और जो नॉन मेटल्स होते हैं इनके ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, इसको हमने मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर में भी देख लिया है। तो इनके ऑक्साइड्स का जो नेचर हो, अब मेटल के जो ऑक्साइड्स हैं जो इस साइड पढ़ेंगे पीरियाडिक टेबल में, ये चीज हमको एक रेफरेंस के जैसा लेना है। तो जो इस साइड है पूरे यहां तक ये तो सारे मेटल हैं, तो इनके जो ऑक्साइड होंगे वो बेसिक होंगे और ये जो नॉन मेटल्स होंगे इनके एसिडिक होंगे। ऑक्साइड की बात हो रही है तो इनके ऑक्साइड लेफ्ट टू राइट जाने में क्या होंगे, ऑक्साइड का जो नेचर होगा वो धीरे धीरे बेसिक से एसिडिक होगा, तो बेसिक नेचर उनका क्या होगा, रिड्यूस होगा मतलब कम होगा, और जो एसिडिक नेचर होगा वो बढ़ेगा क्योंकि इधर बेसिक है उधर एसिडिक है, तो बेसिक धीरे धीरे घट रहा होगा और एसिडिक धीरे धीरे बढ़ रहा होगा। तो ये एसिड्स का नेचर रहा। यहां पे आपका ये चैप्टर पीरियाडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स खत्म होते हैं। यहां तक कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट में जरूर पूछिए और वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।